नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन है गणतंत्र दिवस का, यानी कि 26 जनवरी। हम जानते हैं कि देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान भी लागू किया गया था। आपको पहले हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और बताते हैं कि गणतंत्र दिवस आखिर होता क्या है। भारत के हर कोने में 26 जनवरी को काफी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसे में कई बार आपके दिल में यह सवाल तो आया ही होगा कि आखिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। हम जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी भारत के हर एक कोने में लोग काफी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस साल अपना 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस खास दिन को भारत की राजधानी दिल्ली और पूरे भारत के हर एक स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आज हम आपके सवाल जो कि है, आखिर क्यों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सवाल का जवाब हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दे देते हैं। बता दें कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। वहीं भारत का संविधान उसके दो महीने यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। यही वजह है कि हर साल 26 जनवरी को ही भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात यह भी आती है, हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, उसके दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। एक सवाल यह भी आता है कि आखिर 26 जनवरी ही तारीख क्यों रखी गई थी, तो भी आपको बता देते हैं। पहले आपको हम दिखा देते हैं कि यही वो जगह है जहां पर पटना में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा जाएगा। अब 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसके बाद से ही इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। इस दिन को लोग काफी खास तरीके से भी मनाते हैं। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। वहीं इससे पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें करीब 15 महिलाएं भी शामिल थी। हमारा संविधान भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। अगर आपको बताए दें हम इतना, हम जिस तरीके से हमने आपको बताया, हम आपको और बता देते हैं संक्षेप में कि 26 जनवरी का दिन है गणतंत्र दिवस। आपको एक बार फिर से जो हमने कहा वो बता देते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर पूरा किया गया था, स्वीकार किया गया था। लगभग दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारा संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। और आपको बता देते हैं कि इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी जब संविधान लागू करने की बातें हो रही थी। 250 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर भी इसमें शामिल थे। आपको जिस तरीके से हमने बताया कि संविधान इतना ज़रूरी होता है, अगर देश चलाना है तो उसके लिए संविधान सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि संविधान में ही सारे एक्ट होते हैं। इस वजह से संविधान देश आज़ाद होने के 3 साल बाद लागू कर दिया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और संविधान लागू कब हुआ था, लिखकर कंप्लीट स्वीकार कब किया गया था, सारी बातें हमने आपको संक्षेप में बता दी है। तो इतनी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सेगमेंट के साथ धन्यवाद।